एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएट एकेडमी। आज हम एएमआई सेक्शन बी में जो मेजरमेंट एंड कंट्रोल टॉपिक है उसका मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मेजरमेंट में जो हर एक टॉपिक का सब टॉपिक है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि आगे सिंप्लीफाइड मैनर में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका क्या होता है कि हम पहले ही उसका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा वेटेज का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेजरमेंट और कंट्रोल दोनों हाफ ऑफ वेटेज का था, जिसमें मेजरमेंट आज हम शुरू करेंगे और मेजरमेंट में जो सब टॉपिक्स हैं उन सारे सब टॉपिक्स में मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली हर एक ईयर में हर एक टॉपिक से आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम ज़्यादा, उन चैप्टर्स को हम और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे जो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा वेटेज का है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट एंड स्टैंडर्ड है, यूनिट एंड स्टैंडर्ड टॉपिक इज आवर फर्स्ट चैप्टर, और इस फर्स्ट चैप्टर में 2006, 2008, 2012, 2013 और 2017 में देखिए ऑलमोस्ट हर एक ईयर हमारे यहाँ पे, मतलब हर एक ईयर में इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस टॉपिक में है क्या, तो इसके सब टॉपिक्स में देखते हैं क्या। जैसे हमने पहले भी 11, 12 में भी पढ़ा हुआ है कि डाइमेंशंस किसी भी एनालिसिस, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी का अगर मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिड्यूस करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ डाइमेंशंस इन यूनिट एंड स्टैंडर्ड। और यूनिट और स्टैंडर्ड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में हम मेजर क्या करेंगे, इसके अंदर टॉपिक्स में वोल्टेज, करंट और पावर को मेजर करने का कुछ मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए फर्स्ट चैप्टर में ही इसमें एनालिसिस भी क्या करते हैं। मेजरमेंट होता क्या है, जनरली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कि हमने, फॉर एग्जांपल अगर किसी को चलाया है, रोटेट ही किया है और उसी की स्पीड अगर हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी की स्पीड हम देखते हैं तो फिजिकली वो व्हील रोटेट कर रहा है, और उसका आउटपुट हम किस हिसाब से लेते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू में, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम न्यूमेरिक वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। यानी मेजरमेंट का ये पर्पस होता क्या है, इट इज़ वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड अ न्यूमेरिक वैल्यू इन कंपैरिजन टू द फिजिकल इंटरप्रेटिंग दैट थिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि हाँ ये काफ़ी स्पीड में है, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दैट थिंग। तो ये सारी चीज़ों के बाद उसकी यूनिट्स को हम क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फॉर यूनिट एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। उसमें अभी मैंने बताया कि वोल्टेज, करंट और पावर को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है और उस तरीके को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पावर फैक्टर एट वेरियस फ्रिक्वेंसीज, पीएमएमसी और इलेक्ट्रोडाइनोमोमीटर मूविंग आयरन। ठीक है, पावर फैक्टर एट वेरियस फ्रिक्वेंसीज में जो मेन टॉपिक है वो टू फेज पावर फैक्टर मीटर का है। देखिए, टू फेज और थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर हम देखेंगे इसमें, कि पावर फैक्टर मीटर से भी 2007 में आया हुआ है क्वेश्चन, और 2011 में टू वॉट मीटर मेथड का भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 2012 में भी आया हुआ है वॉट मीटर क्वेश्चन। वॉट मीटर का ऑलमोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो वॉट मीटर मेथड हम पढ़ेंगे टू फेज थ्री फेज दोनों, और उसमें हम कैसे पावर फैक्टर मेजर करते हैं तो उसका भी फार्मूला हम काफ़ी अच्छे से एनालाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे कि हाउ वी आर गेटिंग दैट फार्मूला ऑफ पावर फैक्टर मीटर फॉर टू फेज एंड थ्री फेज बोथ सर्किट्स। ठीक है, नाउ the thing, the chapter that is all, that is more important to us is high and low value resistance method, how we will measure the high value resistance and the low value resistance, and from this topic also we can analyze that each and every year we are getting almost a question from this topic, either it is summer session or winter session. So we have to focus on both the topics for measuring, that is high and for low voltage resistance. I have already told you that PF at various frequencies, it is very important for us. Why? Because three phase or two phase power factor watt meter method for measuring the power factor is important to us. That's why we will study this chapter very frequently and very
इन अ बेटर मैनर वी कैन से वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर इन अ बेटर मैनर एंड पीएमएमसी आफ्टर दिस हम क्या देखेंगे कि पीएमएमसी इलेक्ट्रोडाइनोमीटर एंड मूविंग आयरन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रिक्वेंटली वी हैव आस्क क्वेश्चंस बाय एग्जाम्स मतलब हर एक ईयर में 2005, 2006, 7, 8 इन सारे ईयर्स में हम क्या करते हैं देखिए 9 में हो गया ये 9+11 यानी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पीएमएमसी से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रोडाइनोमीटर या फिर मूविंग आयरन इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्या है 2006 में भी यहाँ पे देखिए विंटर सेशन में आया हुआ है इसमें भी 2005 में भी विंटर सेशन में आया हुआ था क्वेश्चन 2007 के समर सेशन में यानी हर एक ईयर इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड या आइदर पावर फैक्टर से रिलेटेड या फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या फिर इलेक्ट्रोडाइनोमीटर या फिर मूविंग आयरन से रिलेटेड तो ये टॉपिक्स भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें हम क्या करते हैं कि जनरली जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे नीडल फ्लक्चुएट हो रहा है और उसमें नीडल के फ्लक्चुएशन के साथ जो अपनी मेजरमेंट आ रही है उसमें मेजरिंग क्वांटिटीज उसमें वेरिएबल्स क्या लगे हुए हैं और वो कैसे एग्जैक्ट बिहेव कर रहा है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसका वर्किंग क्या है और वो किस प्रिंसिपल पे द थिंग इज वर्किंग लाइक पीएमएमसी इलेक्ट्रोडाइनोमीटर एंड मूविंग आयरन व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वी विल कवर दैट ऑल्सो इन दिस टॉपिक and next that is important to us is high and low value resistance high and low value resistance is also coming in each and every year like we can see in 2008 winter session in 2005 summer and winter both sessions in 2011 also in 2012 also and in 2013 this is 10+10 marks for winter session aur kuch years ka I have skipped that sessions because I didn't have space for that so I have written for two current years also that from which topics we have got more questions and we will analyze while covering the topics we will see in which topic that we have left the questions had came and we will solve each and every question ye bhi hamare liye this is also important for us ki isme 50-50% matlab theory aur numerical dono hi hamare liye 50-50% ka weightage hai aur dono hi important hai to hum un dono cheezon ko bhi cover karenge yahan pe kehne ka matlab sirf ye nahi dekhenge ki theory hi hame cover karna hai parallelly we have to solve the problem related to that topic एसी एंड डीसी पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे हाई एंड लो वैल्यू रेजिस्टेंस ये भी इम्पॉर्टेंट था इसमें पीएफ मीटर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएमएमसी से भी फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग क्वेश्चंस पीएमएमसी इलेक्ट्रोडाइनोमीटर और मूविंग आयरन एसी एंड डीसी पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर में भी हमें मिलता है क्वेश्चन एसी और डीसी पोटेंशियोमीटर में हर एक ईयर में आता है क्वेश्चन ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसी और डीसी पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है अच्छा यहाँ पे स्लैश का मतलब है दिस इज़ फॉर समर एंड दिस इज़ फॉर विंटर ये हम ध्यान देंगे तो समर और विंटर सेशन के लिए अलग अलग हिसाब से है ये स्लैश इसके लिए नहीं लिया है यहाँ पे क्योंकि स्पेस की कमी थी तो गैल्वेनोमीटर और आइदर एसी डीसी पोटेंशियोमीटर दोनों से रिलेटेड जो टॉपिक क्वेश्चंस हैं वो इसी में हमने सम करके लिख दिया है नेक्स्ट है एसी ब्रिजेस एसी ब्रिजेस हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी एसी ब्रिज के अंदर मैक्सवेल ब्रिज केल्विन्स डबल ब्रिज एंडरसन्स ओवेन्स शेयरिंग ब्रिज ये सारे के सारे ब्रिजेस आते हैं तो इन सारे ब्रिजेस का भी हमने देखा देखेंगे अभी फर्दर कि हर एक ईयर में ऑलमोस्ट इनके क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं तो हर एक ईयर के हिसाब से हम एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे और ये टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से टॉपिक एसी ब्रिजेस में देखिए एसी ब्रिजेस में मैक्सवेल ब्रिज भी है इम्पॉर्टेंट केल्विन्स डबल ब्रिज भी इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एंडरसन्स ब्रिज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखते हैं कि 2006 में भी आया हुआ है क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हमारे एंडरसन्स से रिलेटेड केल्विन से रिलेटेड देखिए और मैक्सवेल से रिलेटेड केल्विन से भी रिलेटेड हर एक ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन देखिए ठीक है फिर एंडरसन्स से रिलेटेड एंडरसन्स में भी हर एक ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये सारे टॉपिक्स देखिए यहाँ पे वीन्स ब्रिज से भी रिलेटेड है वीन्स ब्रिज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है जनरली वो फ्रिक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए रहता है तो
फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में लिख लेंगे यहाँ पे, या फिर यहीं पे मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है तो उसका वीन्स ब्रिज यहाँ पे लिख भी दिया है कि 2017 के सेशन में 8 मार्क्स का अपना वीन्स ब्रिज आया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से रिलेटेड क्या है, शेयरिंग ब्रिज भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक ईयर में आया हुआ है, तो शेयरिंग ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये देखिए इसमें फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, हर एक ईयर में, किसी भी ईयर में नहीं छोड़ा है। शेयरिंग ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, केल्विन्स डबल ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी विल लर्न बोथ दिस टॉपिक्स इन अ इफेक्टिव मैनर, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग योर थ्योरिटिकल पोर्शन और योर न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व, यू विल बी एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन, बोथ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी इजिली। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आपका केल्विन्स डबल ब्रिज भी देखेंगे और शेयरिंग ब्रिज भी देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बीएच कर्व। बीएच कर्व से भी हर एक ईयर में आया हुआ है, या तो फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने के लिए आया हुआ रहता है, या फिर बीएच कर्व में हिस्टेरेसिस लूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो बीएच कर्व भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए ये हर एक ईयर में, इसके विंटर सेशन में आया हुआ है, फिर 2007 के समर विंटर दोनों सेशन में आया हुआ है, 2008 के समर विंटर सेशन में आया हुआ है, 2009 के भी, 2010 के भी, 2011 के भी, 2012 और हर एक, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ हाई वोल्टेज मेजरमेंट, वॉट इज हाई वोल्टेज मेजरमेंट टेक्निक्स, तो फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो वी आर गेटिंग क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज मेजरमेंट के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसमें भी 2005 में एक भी बार नहीं, 2005 में किसी सेशन में नहीं आया था, लेकिन 2006 के समर सेशन में मिला है, 2007 के भी समर सेशन में, 2008 के समर, इसमें 2007 के समर विंटर दोनों में, 2008 के विंटर सेशन में, और वेटेज भी काफ़ी रहता है यहाँ पे। देखिए दोनों ईयर, दोनों समर विंटर में आया हुआ है, 11 में भी समर विंटर में, 17 में भी और 18 में भी, ऑलमोस्ट हर एक ईयर में हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव में देखते हैं कि 2005 का इम्पल्स वेव में समर और विंटर दोनों में आया हुआ है, तो इम्पल्स वेव भी एक टॉपिक का ही लास्ट चैप्टर में जब आ जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल ये सारे चैप्टर के ही मेन टॉपिक हैं और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक आएंगे, तो इम्पल्स वेव में देखेंगे क्या कि यहाँ देखिए 2005 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, 2007 में भी, 2008 में भी, ऑलमोस्ट हर एक ईयर में इससे भी रिलेटेड आया हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इनमें जो मैंने टिक लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, सारे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और दोनों एस्पेक्ट में थ्योरी भी, बाकी सब के भी थ्योरी और न्यूमेरिकल अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हैं तो हम वो कवर करेंगे, और इसमें भी है तो हम ये भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल। मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल में देखिए इम्पल्स वेव और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल और फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए आएगा, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल में हम क्या देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल में अपना आता है, दोनों सेशन में आया हुआ है क्वेश्चन, और या फिर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी आता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ मतलब इससे भी आता है, लेकिन हाई वोल्टेज मेजरमेंट से हर एक ईयर आया हुआ है, तो हाई वोल्टेज मेजरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड वी विल लर्न दिस एंड दिस टॉपिक ऑल्सो इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, सो दैट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स विल कम, वी विल नेवर skip that question and we are going to get a better percentage. ये सारे topics हम जब आने वाले टाइम में कवर करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये किस ईयर में आया हुआ है, तो ये एनालिसिस जो मैंने किया हुआ है, ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने सेल्फ एनालिसिस भी करना और देखना कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है मेजरमेंट एंड कंट्रोल में, जो मेजरमेंट इसमें ग्रुप ए में और ग्रुप दोनों ग्रुप में क्वेश्चंस बांटे हुए हैं, तो ग्रुप ए वाले सेक्शन में इसके क्वेश्चन जनरली मिलेंगे, और वहाँ पे क्या होगा कि
इन सारे टॉपिक्स को आप थ्योरी में भी लिखना है, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिए रहेंगे सॉल्व करने के लिए, तो कॉम्प्लिकेटेड उन्हें भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो हर एक पैटर्न के और हर एक टाइप के क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनमें, तो होगा क्या कि एक जो एनालिसिस हमने अभी कंप्लीट कर ली है उसमें फ़ायदा क्या होने वाला है कि हम उन सारे टॉपिक्स में, कौन से टॉपिक्स में थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ही हैं, उनमें न्यूमेरिकल हमारे पास आते नहीं, मतलब उनमें न्यूमेरिकल पूछे नहीं गए हैं, तो हम उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, तो कम टाइम में हम काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो ये इसकी और एक अच्छी बात है एनालिसिस करने की, तो हमें किन टॉपिक्स में, तो टाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड मार्क्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हम देखेंगे कि लिमिटेड टाइम में हम कितना अच्छा कवर कर सकते हैं क्वेश्चन और टॉपिक्स को। तो ये रहा, ये एक सेल्फ एनालिसिस है, आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, इसे अपने साथ रखिए, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर कमिंग एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव इन फ्यूचर। तो नंबर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक अपना मेजरमेंट में, सबसे पहला टॉपिक होगा डायमेंशन से रिलेटेड मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज देखेंगे और उसका डायमेंशन देखेंगे हम, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, उसमें क्या क्या थी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में पावर, पावर था, करंट था और वोल्टेज था। पावर, करंट और वोल्टेज के बाद मेजरमेंट, यहाँ पे देख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, सबसे पहला इसमें क्या है, पावर देखेंगे, फिर वोल्टेज, वोल्टेज पावर और इलेक्ट्रिसिटी तीनों चीज, मतलब करंट, ये तीनों रहेंगी। और इसमें कुछ एरर भी देखेंगे, एरर देखने के साथ हम ये रिड्यूस करेंगे कि अपने मेजरमेंट के टॉपिक में मेजरमेंट होते कितने टाइप के हैं, तो मेजरमेंट कितने टाइप के होंगे वो देखेंगे कि मेथड ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है, मेजरमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें सबसे पहले चलते हैं क्या जो सब टॉपिक आएगा, मेजरमेंट है क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम यहाँ से ये रिड्यूस करेंगे, मतलब ये पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। देखिए मेजरमेंट होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट का डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट के फॉर्म में लेना है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज, अभी इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था आपको, तो दिस इज़ कॉल्ड एज मेजरमेंट। मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक मीनिंगफुल आउटपुट में ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आवर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का डेफिनीशन यहाँ से हमने देख लिया क्या कि वो होता है द मेजरिंग प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच, इन विच मेजरमेंट इज द टेक्निक, इट इज द टेक्निक इन विच वी मेजर, हम मेजर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। तो पैरामीटर्स को चेंज करने का क्या मतलब है कि किसी भी फिजिकल पैरामीटर को एक मीनिंगफुल पैरामीटर में लेंगे, दिस इज द टेक्निक इन विच वी कन्वर्ट एनी फिजिकल फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर को किसमें, इनटू मीनिंगफुल मीनिंगफुल पैरामीटर, ये है।
मतलब ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल पैरामीटर को एक मीनिंगफुल पैरामीटर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और मीनिंगफुल पैरामीटर भी कैसा, मीनिंगफुल पैरामीटर कहने का मतलब क्या था कि एनी कौन से फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म, एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज विद यूनिट। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में और उसके यूनिट, मतलब इसका सिग्निफिकेंस और इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है, अगर कोई भी जनरली फिजिकल पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसे बोलते हैं ना कि जैसे इस गाड़ी की स्पीड, अभी हमने देखा था कि गाड़ी की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बोल देंगे, या फिर लेंथ है तो लेंथ हम कितना मेजर करेंगे उस लेंथ को किसी यूनिट में बोलेंगे मीटर हो गया, या फिर किलोमीटर हो गया, या सेंटीमीटर हो गया, तो उसकी एक अलग यूनिट हम बताएंगे। बिना यूनिट में अगर बोल दें कि कुछ है वन, तो वन क्या है, उसका यूनिट भी लगाना जरूरी है। दूसरा किसका, फिजिकल मैटर को, फिजिकल पैरामीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे। तो इससे क्या हमें समझ में आया कि फिजिकल पैरामीटर का, हमें फिजिकल पैरामीटर का क्या पता होना चाहिए, फिजिकल पैरामीटर का यूनिट पता होना चाहिए। जिस यूनिट, मतलब किस में, न्यूमेरिक यूनिट जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हैं कि एसआई यूनिट, यानी स्टैंडर्ड यूनिट हमें पता होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट अगर पता रहेगी, एसआई यूनिट भी हमें पता रहेगी, तो हम क्या कर देंगे उसको एक मेजर्ड वैल्यू को आराम से उसके एसआई, मतलब उसकी क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू को उसके किस फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, उसके यूनिट के साथ एक मीनिंगफुल पैरामीटर में चेंज कर देंगे। जैसे कि बोलते हैं हम लोग स्पीड को, तो स्पीड को ही हम लोग किस में लिख लेते हैं, उसके यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। अब इनका हम डाइमेंशंस भी देखेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर, किसी में भी हम चेंज भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें समझ में ये आया यहाँ से कि मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्यों रहता है, क्योंकि हम किसी भी फिजिकल पैरामीटर को एग्जैक्टली एक मीनिंगफुल पैरामीटर में अगर चेंज करना हो तो न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, और वो न्यूमेरिक वैल्यू हमें किससे पता चलती है, जब तक उसकी यूनिट हमें पता ना रहे तो वो मेजरमेंट भी हमारे किसी काम का एग्जैक्टली रहेगा नहीं। तो यहाँ यूनिट देखेंगे। अब उसके बाद मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट को हमने कुछ मेथड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसका मेथड क्या क्या होगा मेजरमेंट एंड इट्स मेथड में। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, कई बार इसमें भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट आर, मेथड ऑफ मेजरमेंट, तो मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है एक अपना डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। यहां पे देखिए डायरेक्ट मेथड, एंड सेकेंड वर्ड इज इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है, अब यहां से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हमें उसे मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी से कंपेयर करेंगे। किसी से कंपैरिजन अगर करना रहेगा तो, अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हम कर देते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट मेथड में क्या, डायरेक्ट कंपैरिजन कहने का मतलब क्या है कि बिना किसी क्वांटिटी को सिंप्लीफाई किए हुए और उसके साथ डायरेक्टली मेजर कर लेना। डायरेक्टली मेजर कर लेने से क्या है, मतलब कि कंपेयर्ड हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपैरिजन, तो ये कहलाएगा क्या, डायरेक्ट मेथड।
ये किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? डायनेमिक कोई भी चीज रहे, फॉर एग्जांपल पीएमएमसी और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर और मूविंग कॉइल में हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ये किसमें किसमें यूज होता है डायरेक्ट मेथड? पीएमएमसी में होता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे, इलेक्ट्रो डायनामो मीटर और किसमें पीएमएमसी, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, मूविंग आयरन, इन सब में किसका यूज होता है? आपका स्टैंडर्ड, ये डायरेक्ट मेथड का यूज होता है। अच्छा देखिए, ये कौन सा फॉर्म होता है? डायनामिक, मतलब किसी का भी डेविएशन और फ्लक्चुएशन अगर हमें तुरंत चाहिए, इंस्टेंटेनियसली चाहिए है, तो हम किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड का। तो इससे एक चीज और रिड्यूस करते हैं हम, क्या कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और ये क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है, यूज्ड फॉर डायनामिक रिस्पॉन्सेस। डायनामिक रिस्पॉन्सेस का क्या मतलब है कि बहुत ही फास्ट कोई भी चीज़ को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा स्लो होता है। देखिए इसमें अगर डायरेक्टली हमने किसी भी चीज़ को बहुत ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू से ही कंपेयर करके क्या किया है, मेजर किया है, तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन का एरर है या फिर हमारा कैलकुलेशन का, मेजरमेंट का एरर है, ये हमारे ऊपर ह्यूमन एरर्स कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे। तो इसके साथ हम क्या देखेंगे कि एरर इज, इसमें क्या होता है, एरर इज मोर और कॉमन, दैट इज कौन सा एरर? जनरली ह्यूमन एरर, जो हमने किया है, ऑब्जर्व किया है, कंपेयर करने के लिए किया है। और कई बार कौन सा इंस्ट्रूमेंट एरर किसके लिए? पीएमएमसी, इलेक्ट्रोडायनामीटर और मूविंग आयरन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट ऑपरेट करते हैं। फास्ट ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज रहेंगी जो डायनेमिक के साथ क्या होती है, एग्जैक्ट जो चेंज हुआ है वो हम बता नहीं पाएंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड हमारा ये, इसमें हम क्या करते हैं कि नल सिस्टम का यूज करके हम दूसरी वैल्यूज को मेजर करने की कोशिश करते हैं। नल सिस्टम मतलब क्या? ये ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा सेंसिटिव होता है। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट एंड मोर सेंसिटिव। दिस मेथड इज, अच्छा यहां पे एक चीज और क्या लिख लेंगे, दिस इज लेस एक्यूरेट। दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट and this method is more accurate। ये method ज़्यादा accurate होगा। दूसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी, ज़्यादा accurate होने के साथ, this cannot be used for dynamic responses। डायनेमिक कहने का मतलब क्या है, अगर हमें इंस्टेंट वैल्यू चाहिए है, इंस्टेंट मेजर करना है, तो हम इससे नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें कंपैरिजन हम करते नहीं है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम क्या कर देते थे, कंपैरिजन, स्टैंडर्ड वैल्यू की कंपैरिजन होती थी, लेकिन इसमें वो नहीं होती है। तो दिस मेथड इज नॉट डायरेक्टली कंपेयर्ड। इन दिस मेथड द वैल्यूज determined is not directly compared। ये आज चीज आ जाती है, ये less more accurate होता है, ज्यादा sensitive भी होता है, और ये less sensitive होता है। यहां पे भी एक चीज add कर लेंगे कि ये less sensitive है, sensitivity भी इसकी sensitive, और ये मोर सेंसिटिव ये क्या होगा अपना, ज्यादा सेंसिटिव होगा।
अब लेस और मोर सेंसिटिव के बाद ये क्या होता है, कैन नॉट बी यूज फॉर डायनेमिक रिस्पॉन्सेस, ये डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायनामिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या देख लिया था कि इंस्टेंटेनियस होता है, लेस सेंसिटिव है। अब इसमें जो हम देखेंगे कि ये नल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर वगैरह में इंडायरेक्ट मेथड का यूज़ होता है, उसी में हम क्या करते हैं नल वैल्यूज़ को लेते हैं और नल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है किसके ऊपर, डायरेक्ट मेथड के कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट मेथड इज मोर प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट मेथड। तो ये भी देख लेंगे कि दिस मेथड इज मोर प्रेफर्ड ओवर ओवर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में इस मेथड का ज्यादा हम क्या करते हैं प्रेफर करते हैं इस मेथड को। देखिए तो एक सिंपल सा मेथड ऑफ मेजरमेंट देख लिया हम लोगों ने, उसके बीच में डिफरेंस भी देख लिया, और इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे आगे भी टॉपिक्स को, मतलब आगे और रिड्यूस करेंगे। आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स को कितने उसमें बांटते हैं, जैसे कि डिफ्लेक्शन और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है वो, तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट सब आ जाते हैं कि कितने टाइप्स, ये अभी बेसिक हम चल रहे हैं कि मेजरमेंट में बेसिकली है क्या। तो आप देखिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक होता है अपना एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ, जो इसकी वैल्यूज रहेंगी वो एग्जैक्ट आएंगी, एब्सोल्यूट आएंगी, एब्सोल्यूट यानी बिना किसी कंपैरिजन के ही जो हम वैल्यूज लेंगे और मैग्नीट्यूड लेंगे फिजिकल कांस्टेंट के साथ वो क्या रहेंगी कांस्टेंट, मतलब एब्सोल्यूट आएंगी, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह, रेलिक्स करंट आ जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेंगे क्या कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर, रेलिक्स रिलिक्स करंट मेजर के लिए, ठीक है। अब एब्सोल्यूट के बाद हम किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट के बाद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये एग्जांपल था इसका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, द क्वांटिटी जो होती है अपने पास उसके लिए हम, जैसे वहां टेंजेंट गैल्वेनोमीटर था और रेलिक्स करंट बैलेंस था, तो मेजर्ड क्वांटिटी जो है उसकी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हम मेजर करते थे, मतलब मेजर क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी और उसकी मेजर्ड क्वांटिटी रहेगी वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से निकालते हैं, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या फिर रेलिक्स करंट मीटर आ जाएगा, रेलिक्स करंट मीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में देखिए हम इसमें डायरेक्ट क्या कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी एक न्यूमेरिक वैल्यू में ले लेते हैं, और ये जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है तो ये नल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करेंगे। तो नल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के साथ क्या होता है कि
अपनी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अच्छी आती है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, इसमें एक और स्टेप रिड्यूस हो जाएगा आपके लिए, एक और स्टेप मतलब कि इससे और ज़्यादा एक्यूरेट और सेंसिटिव इस इंस्ट्रूमेंट्स में जो, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज़ को डायरेक्ट अवेलेबल नहीं करवाता, थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेट। कहने का मतलब क्या है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमें अच्छा वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यू एग्जैक्ट तो देगा, लेकिन थोड़ा समय लगाएगा, और सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी भी इसकी क्या रहेगी, अच्छी ही रहेगी। तो जो क्वांटिटी होती है, मेजर्ड होती है, वो हम क्या करते हैं, जो आउटपुट होती है इंस्ट्रूमेंट की, उसको देख करके ही हम वैल्यू बताते हैं। तो दिस इन दिस द आउटपुट ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, द आउटपुट ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज डिटरमाइंड फर्स्ट एंड देन इट इज कंपेयर्ड विद इट्स इनपुट। मतलब जो आउटपुट वैल्यू होती है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की, वो हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया बाय ऑब्जर्विंग द आउटपुट इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। जो ऑब्जर्व किया है हमने उसका आउटपुट, वो किससे, इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया अपना कि आउटपुट इज मेजर इन दिस द आउटपुट ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज डिटरमाइंड इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, और वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द आउटपुट इंडिकेटेड बाय द ऑब्जर्विंग द आउटपुट इन दिस द आउटपुट ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग, डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग, उसको देख करके हम बताते हैं, ऑब्जर्विंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, और वो क्या करता है, इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इससे हम क्या करते हैं, मतलब सेकेंडरी इसका जो आया है उसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से भी कई बार कंपेयर करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा तो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हमारा बेसिक चल रहा है तो ये भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दिया। अब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद हम एक नए उस पर आएंगे कि डिफ्लेक्शन और नल टाइप अपना इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। देखिए, तो डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे। एक होता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन टाइप मतलब क्या है, इसमें स्प्रिंग वैल्यूज कुछ ना कुछ लगी रहती है, जो कि इसके एग्जांपल में लिख लेंगे, पीएमएमसी है, अभी बताया था, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हो गया और मूविंग आयरन हो गया, डायनामो मीटर और मूविंग आयरन। और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा, जैसे कि गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर वगैरह हो गए, ये सारे अपने आ जाते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का लिख लेंगे कि पोटेंशियोमीटर आ गया या फिर गैल्वेनोमीटर आ गया, पोटेंशियो और पोटेंशियो मीटर, और गैल्वेनोमीटर भी एक नल टाइप, गैल्वेनो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट की ही तरह यहाँ पे भी नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप में देखेंगे कि ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट और मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव ये होगा आपका, लेस एक्यूरेट और लेस सेंसिटिव, लेस एक्यूरेट
एंड लेस सेंसिटिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इन दोनों से रिलेटेड, है ना। ये डायनेमिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारे, और ये डायनेमिक वैल्यूज़ कैन बी मेजर्ड। और इसमें डायनेमिक वैल्यू हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो नॉन डायनेमिक फॉर्म में जो चीज़ें रहती है उसको मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो नॉन डायनेमिक वैल्यूज आर मेजर्ड, ठीक। अब देखिए इन टॉपिक के बाद डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने एक सिंपल कंपैरिजन देख लिया कि होता क्या है। अब डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप में एक थोड़ा सा अगर डायग्राम की तरह देखा जाए तो होगा क्या, इसमें जनरली क्या रहता है अपना, यहाँ पे कॉइल, इसके बाद यहाँ पे मैग्नेट रहता है, मैग्नेट के हिसाब से फिर क्या होती है, यहाँ पे हम स्केलिंग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से वो मेजर करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या रहता है अपना पोटेंशियोमीटर जैसा बनाते थे वैसा कुछ होगा, स्केल यहाँ से कर देंगे, स्केलिंग इसकी, ठीक है, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे और यहाँ से मेजरमेंट वगैरह देखेंगे एक फील्ड का कि ई की वैल्यू, मतलब ये पोटेंशियोमीटर जैसा सिंपल लेते थे, यहाँ पे आर है और यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल लगा लीजिए और यहाँ पे आपका ये कोर रहेगा और यहीं पे स्प्रिंग एक क्या रहती है, लगी हुई रहती है। स्प्रिंग लगे होने के बाद हम क्या करते हैं, उसका नीडल वगैरह लगा हुआ रहता है यहाँ से, और यहाँ से मेजरमेंट आपको नीडल के हिसाब से फिर देखते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे भी रहता है, वहाँ पे मेजर हम लोग स्केल के हिसाब से कंपेयर करके करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक क्या रहेगा आपका मेजरिंग डिवाइस, एमीटर या फिर एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो वो नल टाइप हो गया और ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये एक कंपैरिजन हमने देख लिया कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट और कौन ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे आते हैं हम लोग कि कौन, व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ प्रिसीजन, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है, सबसे उससे पहले हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है क्या। ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू रहती है जो हमारे पास गिवन है, गिवन है मतलब कोई भी स्केल दी हुई है उसको हमने क्या किया है अपने हिसाब से, जो एग्जैक्ट उस इंस्ट्रूमेंट की फॉर एग्जांपल कैपेसिटी है, मान लीजिए किसी भी वेइंग मशीन की वे करने की 100 केजी या 1000 केजी या फिर 1 टन या उससे और ज़्यादा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम अब उस पर कुछ एक वेट रख देते हैं और उस वेट रखने के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आवर मेजर्ड वैल्यू। अब उस वेइंग मशीन से हमने क्या किया, एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 200 केजी चावल है, 200 केजी चावल को हमने क्या किया, मेजर करने की कोशिश की, उसमें 200 केजी में से 500 ग्राम्स कम आ रहे हैं, यानी हाफ केजी कम है, तो ये अपना क्या आ गया, मेजर्ड वैल्यू हाफ केजी। और ट्रू वैल्यू हमें क्या पता थी कि उसमें 200 केजी है, तो दैट इज आवर ट्रू वैल्यू। तो ट्रू और मेजर्ड में यही एक डिफरेंस होता है, और ट्रू वैल्यू क्या होती है, ये गिवन वैल्यू ही रहती है, और मेजर्ड वैल्यू जो हम ऑब्जर्व करके मेजर करते हैं, दैट इज आवर मेजर्ड वैल्यू। और एरर क्या होता है, एरर इन्हीं दोनों का, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ये अपनी एरर कहलाती है, दिस इज आवर एरर। मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू करने पे एरर, और इसी में परसेंटेज अगर निकालना हो हमें तो हम क्या करेंगे, इसी में 100 का
मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो दिस इज आवर एरर परसेंटेज। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू हमें किस लिए जानना था? प्रेसिजन और एक्यूरेसी जानने के लिए। तो प्रेसिजन और एक्यूरेसी देखिए अब क्या होगा, एरर और अच्छे से हम पढ़ेंगे, एरर के टाइप पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एरर होते हैं अभी थ्योरी में। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्यूरेसी और प्रेसिजन देखते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, एक्यूरेसी और प्रेसिजन ना कई बार हम लैब में भी पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो एक्यूरेसी क्या होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उसकी क्लोजनेस वैल्यू की, जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, कहने का मतलब क्या है, विद द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, इट इज द क्लोजनेस measured value, किसकी क्लोजनेस, मेजर्ड वैल्यू की। और ये रिपीटिशन आती है, मतलब प्रेसिजन के ऊपर जाने से पहले एक बार एक्यूरेसी देख लेंगे, ये क्या कहलाती है अपनी, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू। Approaching the true value मतलब क्या है, measured value जिसमें कि जो instrument है वो approach कहाँ पे, which an instrument approaching the true value, मतलब हमने क्या किया, measured value जो है वो exactly उसकी true value के जितने ही करीब आएगी उतना ही ज़्यादा accurate अपना कहलाएगा measurement, ठीक है। तो it is the closeness of the measured value which an instrument approaching the true value, दिस इज आवर एक्यूरेसी। हमने किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से लिया और उसको क्या किया, मेजर करने की कोशिश की, तो ये क्लोजनेस कहलाता है, विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द मेजर्ड, विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द मेजर्ड वैल्यू विद विच An instrument instrument measured value instrument reading, ये क्या कहलाएगा, closeness with which an instrument reading approaches the instrument reading approaches the approaches the measured value with which an instrument approaching the true value, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कुल मिला करके इसको थोड़ा सा और अच्छे से ही लिख लीजिए, इट इज द क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू, ट्रू अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, true value of the quantity, with which it is being measured, being measured, ठीक है। और प्रेसिजन क्या होता है, एक रिपीटेड अपनी क्या होती है, मेजरमेंट की वैल्यू होती है, दिस इज द रिपीटेड मेजरमेंट प्रेसिजन, दिस इज द रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कैलकुलेटेड, दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो पिछली वैल्यू है वो
इस वैल्यू के मेजरमेंट के सेम ही आएगी, कुछ ना कुछ एरर से कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो इट इज़ द रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और एक चीज़ इसमें क्या बोलेंगे कि इट मे डिफर फ्रॉम द प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू। तो ये प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू से भी क्या हो सकती है, डिफर कर सकती है। कौन सी? प्रिसीजन। तो इट इज द एंड इट मे डिफर फ्रॉम द प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का है। देखिए, एक्यूरेसी को हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं इन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम इन एक्यूरेसी या फिर एरर के टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दिस कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और एरर, और लिमिटिंग एरर भी कह सकते हैं, और लिमिटिंग एरर। इसे हम ऐसे करते हैं, कहने का मतलब जो एक्यूरेसी है उसको इन एक्यूरेसी के टर्म्स में भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि ये शार्पली डिफाइंड है। तो इट इज प्रिसाइज मीन्स The value is sharply defined। जो अपनी value given है वो क्या होगी, sharply defined है। तो accuracy और precision में ये दो दो तीन तीन points हमने देखे। ये क्या करता है, previous value से अलग आ सकता है, लेकिन accuracy में हम क्या करेंगे, किसी भी instrument, it is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity which is being measured। जिसे हमने measure किया है इंस्ट्रूमेंट से वो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है उससे कितना क्लोज आ रही है इसकी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज आवर एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने बार बार क्या लिया, रीडिंग लिया, रीडिंग लेने के बाद उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है और उसका सबमिशन करके हमने एक एवरेज वैल्यू निकाली और वो प्रिसाइज वैल्यू आती है, मतलब उसके आसपास की, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है ये। ठीक है, इतना करने के बाद एक एक पॉइंट और देखेंगे हम कि एक्यूरेसी को बेस्ट वे क्या होता है कन्वे करने का, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। इसमें हम क्या बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, एग्जैक्ट इसमें ट्रू वैल्यू हम मेजर करते हैं। और प्रिसीजन में हम क्या करते हैं, प्रिसीजन में एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जैसे कि प्रिसीजन में क्या होगा, देखिए इसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। तो इट इज measured on the किस basis पे, on the basis of number of significant values, number of significant value। जैसे कि मान लीजिए तीन है, यानी 305.2 है, कुछ एक वैल्यू हमने लिख ली है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी है, सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, तीन है, तीन सिग्निफिकेंट नंबर है, तो तीन फिगर में उसको चेंज कर दिया। और मान लीजिए 305 ही था, अब यहाँ पे 305.20 है, तो इसमें क्या है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट नंबर थे, थ्री सिग्निफिकेंट नंबर, उसी से हम क्या करेंगे आगे और देखेंगे इसके कुछ कैसे इसे लिखेंगे। और इसमें जैसे 5 हैं तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। और इसे हम क्या मेजर करते हैं, कैसे, एक्यूरेसी को कन्फर्मली जो ट्रू वैल्यू होती है, ये हम बोलते हैं क्या कि ये एग्जैक्ट ट्रूथ वैल्यू पे, तो ये ट्रूथ वैल्यू ही इसमें हम लिखते हैं, ट्रूथ वैल्यू, ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, या फिर True value is being measured। ठीक है, ये सारी चीजें precision और accuracy हमने काफी हद तक देख लिया है। और ये क्या कहते हैं कि reproducibility भी कहते हैं।
फिक्स्ड वेरिएबल के हिसाब से, मतलब सक्सेसिव मेजरमेंट हम लोगों ने जो लिया है इसमें जो सक्सेसिव मेजर यहाँ पे ही बोला था कि इट में डिफर फ्रॉम द प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू, कहने का मतलब सक्सेसिव मेजर्ड वैल्यू मे डिफर फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, ये बात सेम ही है प्रीवियस वैल्यू, तो ये हम ध्यान रखेंगे इससे, ठीक है। तो अब एक्यूरेसी प्रेसिशन देख लिया, एक्यूरेसी प्रेसिशन देखने के बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी उसमें देख ली कि क्या होती है अपनी प्रेसिशन, यानी बार बार रिपीट करके उस वैल्यू को मेजर करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और ये किसी भी मेजर्ड वैल्यू को मतलब उसकी वैल्यू एग्जैक्ट उससे कितनी क्लोज है वो देखना, दैट इज़ आवर एक्यूरेसी टर्म और प्रेसिशन टर्म हो गया। अब एक्यूरेसी और प्रेसिशन के बाद जो हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, देखिए एरर्स देखेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं। ग्रॉस एरर हो जाएगा, एक सिस्टमैटिक एरर होता है, और उन सब में एक एक करके हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो देखिए एरर के टॉपिक, एरर्स कितने टाइप के होंगे, ग्रॉस, सिस्टमैटिक और रैंडम। तो ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम लिख लेंगे क्या यहाँ पे, ग्रॉस एरर, फिर एक होगा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक के बाद एक होगा रैंडम एरर। अब इसे हम एग्जैक्ट, ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है आपके, तो इसको थोड़ा सा ठीक से देखेंगे। इसका एग्जैक्ट आपको मैं डिफरेंस फॉर्म में समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्रॉस एरर हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया और रैंडम एरर हो गया। इन सारे टॉपिक्स को मतलब इनको हम डिफरेंस के फॉर्म में एक बार देखते हैं। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होती है कि ये एरर जो कि ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण आती है, जनरली दीज एरर कम्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ये दिस एरर कम्स जनरली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण, ठीक है। तो ये अपना होगा क्या, ग्रॉस एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में हमें पता है कि किसी ना किसी सिस्टम के कारण ही वो एरर आ रही होगी। सिस्टम के कारण कहने का मतलब क्या, जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशनल या फिर इंस्ट्रूमेंट एरर या फिर एनवायरमेंटल एरर या फिर ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये भी होता है इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशनल या फिर एनवायरमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंट एरर होता है इसमें भी एक, इंस्ट्रूमेंट एक होता है ऑब्जर्वेशनल, एक एक करके देखेंगे हम लोग, और एक होता है एनवायरमेंटल एरर। ये तीनों तीन टाइप के हैं। अब रैंडम एरर क्या है, रैंडमली हमने किसी भी चीज को क्या किया, कैलकुलेट किया और उस हिसाब से फिर लिखा और उसमें जो वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू से जो फ्लक्चुएशन आई, दैट इज आवर रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, वो एरर होते हैं वो मतलब वैसे एरर जो जिसके पैरामीटर एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होते हैं। तो इसका क्या बोलेंगे, हुज कॉजेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि किस कारण से हुआ है, तो वो रैंडम एरर। हुज कॉजेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड आर कॉल्ड एज रैंडम एरर। तो ये चीज हो गई, ये रैंडम एरर हो गया। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है,
तो इसमें हम नाम से ही समझ सकते हैं कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है, ऑब्जर्वेशनल मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया है दो चार बार उसके, और एनवायरमेंटल मतलब ह्यूमिडिटी के कारण या फिर रेन के कारण या फिर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में जो चेंजेस आ जाते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट के, टेम्परेचर हो गया या उन सब के कारण जो होगा वो दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एरर। और ग्रॉस एरर हमने देख ही लिया था कि ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण जो एरर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज आवर ग्रॉस एरर। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसमें जो एरर आती है ग्रॉस एरर में, इसके इसका कारण होता है मेनली एक्सपेरिमेंटर, मेनली एक्सपेरिमेंटर इज द रीजन फॉर दिस एरर, क्योंकि वो ह्यूमन ही होता है, उसने कुछ गलती कर दी। एक्सपेरिमेंटर इज द रीजन फॉर दिस एरर। इस एरर के लिए जो होगा वो मेनली कौन होगा? रीजनेबल, वो जो एक्सपेरिमेंटर जिसने एक्सपेरिमेंट किया है वो कहलाएगा, ठीक है। और ग्रॉस एरर में एक और क्या आ जाएगा पॉइंट अपना, ये इजिली डिटेक्ट हो जाता है। कुछ कुछ एरर्स अपने इजिली डिटेक्ट हो जाते हैं, सम एरर्स कैन बी डिटेक्टेड इजली वाइल सम कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो ग्रॉस एरर में एक चीज होती है कि सम एरर्स कैन बी डिटेक्टेड इजली, डिटेक्टेड इजली वाइल सम कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कुछ डिटेक्ट ही नहीं किए जा सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एरर इसमें है भी कि नहीं है, ठीक है। और तीसरा एक और चौथा पॉइंट आ जाएगा क्या, अगर हम इस एरर को अवॉइड करना चाहते हैं तो ग्रेट केयर, अगर अच्छे से ध्यान रख करके हम क्या करें बाकी सारी चीज़ों की वैल्यूज को मेजर करें, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इसमें लिख देंगे क्या, दिस एरर कैन बी अवॉइडेड, दिस एरर कैन बी अवॉइडेड, कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग ग्रेट केयर, टेकिंग ग्रेट केयर, ठीक है। ज्यादा केयर करके हम क्या कर सकते हैं, उस एरर को हम हटा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज क्या लिखेंगे देखिए। अच्छा, इसमें और नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्या कि आपका सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर हमने देख लिया है, तो ये वाली एरर जनरली अपनी क्यों आएगी? ये एरर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो गई है, या तो उसके स्केल में या फिर बेंड हो गया है, तो दिस एरर कम्स जनरली ड्यू टू, दिस एरर कम्स जनरली ड्यू टू द डिफेक्ट इन, डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्ट के कारण ही आता है, और ये ऑब्जर्व करने के कारण यानी ह्यूमन के कारण और एनवायरमेंटल, दिस ड्यू टू ये क्यों होगा? ड्यू टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हुआ तो स्केल क्या, अगर आयरन का बना हुआ तो फैला सिकुड़ा उस हिसाब से, ठीक है। टेम्परेचर और सीजन भी काफ़ी इफेक्ट करता है ये आसपास का, और ऑब्जर्वेशनल क्या होगा ये भी अपना, ऑब्जर्वेशनल एरर जनरली हम ह्यूमन एरर से क्या कर देते हैं, उसको कंपेयर कर देते हैं। और रैंडम एरर हमने बता ही दिया कि जो एरर अपने कॉज, उसमें हम क्या करें एग्जैक्टली कॉज हम नहीं बता पाएंगे, तो वो अपना रैंडम एरर कहलाएगा। देखिए, तो एरर का तीन फॉर्म हमने देख लिया है और उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जब हम ऑब्जर्वेशनल एरर को देखेंगे तो ऑब्जर्वेशनल एरर में हम क्या बता सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी चीज को हमने सुना या फिर गाया तो, और उसको ऑब्जर्व किया और उसकी दो दो वैल्यूज खुद ही के हिसाब से बताई कि एक ऑडिबल है और एक लेस ऑडिबल है, हो सकता है दोनों सेम ही हो, तो वो क्या कहलाएगा? अपना ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाएगा। तो ऑब्जर्वेशनल एरर ये क्यों, दिस एरर ये क्यों आता है? दिस एरर कम्स ड्यू टू द एरर इन
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को अगर मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया है उसी को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए साउंड की वैल्यू, फॉर एग्जांपल जो साउंड एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है उनकी वैल्यूज, उनका जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है वो सेम ही है, लेकिन हमें कम और ज़्यादा सुनाई दे रहा है, दो इंसान अलग अलग टाइप से सुन रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो ये कहलाएगा जैसे कि ऑडिबल साउंड, ऑडिबल AU, audible sound is measured audible sound is told to be less or more by two different people. ये कह सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी टॉपिक्स के बाद रैंडम एरर तो अपना शॉर्ट है, रैंडम एरर हमने देख ही लिया कि क्या होता है। तो इतना करने के बाद हम ऑलमोस्ट यहाँ पे तीनों एरर्स को एक एक करके काफ़ी आराम से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंस अगर आता है पूछने के लिए तो डिफरेंस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये देख लिया है हम लोगों ने, नेक्स्ट की क्लास में क्या देखेंगे कि यूनिट डायमेंशंस भी क्या होते हैं और उनके यूनिट डायमेंशंस को हम कैसे, यूनिट की वैल्यूज़ रहेगी और उसको डायमेंशनली हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे, और थोड़ा बहुत जो इसी टॉपिक से रिलेटेड एरर की वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, एरर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्ट सम में है तो सम के फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट को कैसे हम रिड्यूस करेंगे वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा।